सकते हैं आप यहाँ पे देखिए, एक पूरा किला खंडहर के करार पे है। और ये है ऊपर जाने का रास्ता, जो कि काफ़ी टूटने, मतलब हर चीज़ ही टूट रहा है बारिश में, तो हर कुछ। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम दिखाने वाले हैं तो हम कुंभराज का राज दरबार किला। तो आप लोग वीडियो प्लास तक बने रहिए, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अभी मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है कुंभराज का जो राजा साहब का किला का मेन गेट है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है सामने। अभी हम लोग इसी रास्ते से आए हैं और जो मेन रोड है दोस्तों, वो है तमकुही रोड और तमकुही राज वाला रोड के ठीक सामने ये किला का जो मेन गेट है मौजूद है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे काफ़ी पुरानी पुरानी आपको मकानें, घर है आपको दिखाई देंगे। इधर इधर मार्केट वगैरह, दुकानें वगैरह हैं दोनों साइड। और इधर देख लीजिए आप लोग, और ये सीधे आपको राजा साहब का किला जो है, नया जो मकान बना है, वो सीधे आपको चला जाएगा। और देख सकते हैं इधर सामने किला भी मौजूद है बहुत सारे यहाँ पे, जो कि खंडहर के करार पे है। दोस्तों अभी हमारे साथ जो भी हमारे टीम मेंबर हैं, जैसे कि भाई हैं जो कि भाई नगर से आए हैं, और इन दोनों भाई लोगों को पहचान है कि भाई काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं हमसे, और इनसे मिल करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप बताइए हमसे मिल करके कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मिले हैं। आज राजा साहब का किला दिखाएंगे आप? एकदम दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे। चलिए वीडियो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और आप मोनू भैया कैसा लग रहा है राजा साहब का किला? आप पहली बार आ रहे हैं मुझे लग रहा है। आए तो बहुत बार, घूमन नहीं है। जी जी, मगर बहुत अच्छा लग रहा है काफी। हाँ, अभी जो है ये पुराना खंडहर है सामने वाला, और उसके आगे नया वाला है, हम लोग पूरा अंदर जा करके दिखाएंगे अभी हमारे वीडियो में एक एक चीज देखने के लिए। तो जी 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 जी, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेन गेट। तो चलिए चलते हैं और आपको, चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको राजा साहब का किला। दोस्तों हम लोग पैदल ही निकल चुके हैं, क्योंकि गेट से दोस्तों काफ़ी नज़दीक है। और चलिए दोस्तों, यहाँ मैं तमकुहीराज का काफ़ी वीडियो बना करके आप लोगों के बीच शेयर करूँगा। जो यहाँ के मार्केट है, जो यहाँ के मेन मेन चीज़ें हैं, उसको हम कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वो हर नेक्स्ट पार्ट में हम लाएँगे आप लोगों के बीच। तो दोस्तों आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। देखते हैं, मैं चलते चलते किला के काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ दोस्तों। और इधर जब मैं पाली काफ़ी साल पहले मैं आया था, तो ये सब कुछ बना वना नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल में देख सकते हैं इधर इधर जो है पूरा इधर चारों तरफ बन गया मकान वकान। और ये जो है ना, इधर सरकारी कामकाजों में, जैसे कि हर किला जो हथुआ राज किला था, वहाँ पे भी जो भी सरकारी कामकाजों में राजा साहब दे दिए हैं भाड़े पे, तो उसी तरह यहाँ पे भी है दोस्तों। देख लीजिए आप लोग सामने, इधर पोस्ट पेमेंट बैंक है और पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक। और इधर देखिए, इधर पूरा मकान वकान बन गया है, और इधर उस ग्राम खादी ग्राम उद्योग। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ चारों तरफ का व्यू, किला का आसपास का सीन है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो लास्ट तक बने रहिए, आइए आपको यहाँ खंडहर जो हो गया है किला, उसको दिखाते हैं के सामने सामने देख सकते हैं। अभी अब अभी पूरा, मतलब एक कहा जाता है ना इतिहास को, यहाँ देखिए तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जो मेन गेट है, वहाँ से आपको मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पे स्थित है ये किला। और पूरा मैंने आप लोग को इधर आते वक्त पूरा इधर कवर करके दिखाया है आसपास का सीन। अभी आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि अभी जो हमें काफ़ी साल पहले में जब आया था, तो ये सारी चीज़ें उतना डेवलप नहीं हुआ था, बना नहीं था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इधर पूरा राजा साहब का जो किला है उसको भी पेंट कर दिया गया है। और इधर देख लीजिए, यह फाउंडेशन
और इधर देख सकते हैं अभी लकड़ी वगैरह रखा गया है, इधर जो भी सरकारी काम काज हमें राजा साहब दे दिए हैं भाड़े पे। और पूरा सीन देखते हैं आप, यहाँ पे देखिए एक पूरा किला खंडहर के करार पे है। और ये है ऊपर जाने का रास्ता जो कि काफ़ी टूटने, मतलब हर चीज़ ही टूट रहा है बारिश में, तो हर कुछ बारिश के समय कुछ ना कुछ यहाँ से टूट करके बिखरता रहता है, गिरता रहता है। यहाँ पे देख लीजिए पूरा खंडहर, पूरा देख लीजिए दोस्तों, पूरा ये है इतिहास, पुरानी प्राचीन इतिहास है। तो आप लोग वीडियो प्लास्टिक बन रही है, चलिए और अंदर चल करके आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा किला खंडहर के किराए पे है, और ये सीढ़ी जो कि ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये है राजा साहब का जो ये किला है उसको पेंट करा दिया गया अभी, और जो नया महल बना है उसको भी हम दिखाएंगे। इधर देख लीजिए दोस्तों, शायद एंट्री नहीं है, अलाउ नहीं है। इधर देख लीजिए पूरा इधर सामने से, और हमारे साथ है आनंद भाई। आनंद भाई आपको कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा लग रहा है, बढ़िया। हाँ तो ये देखिए दोस्तों, यह मूर्ति यहाँ पे, इधर देखिए दोस्तों, सामने वाला महल है दोस्तों। अभी महल के अंदर जाऊंगा तो दिखाऊंगा, ज़्यादा अंदर एंट्री नहीं है बट मैं कुछ ना कुछ दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी इधर काम वगैरह चल रहा है, देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं है राजा साहब का किला, और काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। जब मैं आया था काफ़ी साल पहले तो यहाँ पे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब काफ़ी पुराना लग रहा था, लेकिन अभी इसको पेंट जो कर दिया गया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो राजा साहब थे ना उनकी सामान वगैरह रखा गया है, क्योंकि पुरानी और भी था जो कि चला गया हथुआ के तरफ शायद, और भी काफ़ी जगह इनका मकान है तो वहाँ पे चला गया। और ये काफ़ी साल पुराना जो है किला है। देख लीजिए दोस्तों इधर ट्रैक्टर वगैरह है, गाड़ी वगैरह है राजा साहब का ही, इधर देखिए। तो इधर देखिए अभी नया जो राजा साहब का किला है ना बन रहा है अभी, और इधर देखिए आप लोग, यहाँ पे एक डॉगी है, देखिए डॉगी है ना, ये बहुत भूख रहा था, पिछली बार जब मैं आया था तो काफ़ी भूख रहा था ये। और इधर देखिए आप लोग, इधर महल महल जो था पुराना वाला महल उसको रिपेयरिंग कराया जा रहा है, देखिए आप लोग। और इधर देखिए आप लोग ये खिड़की, इधर देखिए आप लोग, इधर ट्रैक्टर वगैरह रखा गया है राजा साहब का ही, इधर लकड़ी वगैरह है, इधर देखिए नल है पानी पीने के लिए, इधर देखिए ज़्यादा अंदर नहीं, इधर देखिए दोस्तों इधर काम वगैरह चल रहा है। इधर देखिए दोस्तों ये सामने स्कूल है, और इधर देखिए ये है शीश महल, मेन गेट है। इधर देखिए दोस्तों अभी अगर काम वगैरह चल रहा है, इधर देखिए, इधर देखिए। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं जो राजा साहब का पुराना खंडहर किला है। तो दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा तो नहीं जाएंगे बट ये देखिए आप लोग, इधर देखिए पूरा इधर दोस्तों काफ़ी जंगल वंगल है तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। इधर देखिए आप लोग यहाँ से देखिए दोस्तों,